इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान में नए जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में अभी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। तो अब बात करता हूँ पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? आपके पास ऑप्शन है 12, 5, 19 या 18। तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टोटल 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है। कितने? 19। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 19 नए जिले की घोषणा के बाद कुल कितने जिले होंगे? यानी कि वर्तमान में तो आपके राजस्थान में टोटल 33 जिले हैं, अब 19 जिलों की घोषणा करने के बाद राजस्थान में कुल कितने जिले बनेंगे? आपके पास ऑप्शन है 33, 49, 52 या 50। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राजस्थान में 19 नए जिले की घोषणा के बाद अब कुल 50 नए जिले बनेंगे राजस्थान में। कितने? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप सोचेंगे कि 33 प्लस 19 तो 52 हुए, लेकिन 50 कैसे हुए? तो इसकी भी चर्चा मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में कितने नए संभाग बनाने की घोषणा की गई है? वर्तमान में तो आपको पता है 7 संभाग है, और कितने संभाग बनाने की घोषणा की गई है? तो आपके पास ऑप्शन है 3, 5, 7 या 1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है। कितने नए संभाग बनाने की घोषणा की है? 3। तो संभाग अब कितने हो जाएंगे? 7 पहले थे, 3 और बनाने की घोषणा की है, तो अब 10 संभाग हो जाएंगे और 50 जिले हो जाएंगे राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में 3 नए संभाग की घोषणा के बाद कुल कितने संभाग होंगे? आपके पास ऑप्शन है 5, 7, 10 या 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नए संभाग की घोषणा के बाद अब राजस्थान में कुल 10 नए संभाग 10 संभाग हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 10। तो राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में कौन से 3 नए संभाग बनने की घोषणा हुई है? आपके पास ऑप्शन है बाड़मेर, जोधपुर, पाली, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर। क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिल सकते हैं, आगामी एग्जाम जो भी हो आपका उसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा, पाली, सीकर या फिर चौथा ऑप्शन है बांसवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अब भरतपुर, जयपुर, जोधपुर तो आपके ऑलरेडी संभाग है, लेकिन यह क्वेश्चन में पूछे 3 नए संभाग बनाने की घोषणा हुई वो कौन कौन से हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, पाली और सीकर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा नया जिला बनाने की घोषणा हुई है? आपके पास ऑप्शन है जिले के, इनमें से कौन सा है जिसे नया जिला बनाने की घोषणा हुई है, मतलब कि वर्तमान में वो अभी तक जिला नहीं है, इसको जिला बनाने की घोषणा की गई। आपके पास ऑप्शन है बाड़मेर, पाली, हनुमानगढ़ या बालोतरा। तो बाड़मेर, पाली और हनुमानगढ़ तो आपके वर्तमान में जिले हैं, लेकिन बालोतरा वर्तमान में जिला नहीं है, इसे जिला बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जालौर से किस क्षेत्र को जिला घोषित करने की घोषणा की गई? इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है बालोतरा, सांचौर, दूदू या गंगापुर सिटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जालौर से आपके सांचौर क्षेत्र को जिला बनाने की घोषणा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा बी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बाड़मेर से किस क्षेत्र को जिला घोषित करने की घोषणा की गई है? आपके पास ऑप्शन है बालोतरा, सांचौर, दूदू या गंगापुर सिटी। तो बाड़मेर से आपके बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी को हाल ही में जिला बनाने की घोषणा की गई है, वर्तमान में यह किस जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सभी टाइप के मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो डी को भी हाल ही में जिला बनाने की घोषणा की गई है, लेकिन यह वर्तमान में डी कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर या भरतपुर। भरतपुर दो बार ऑप्शन डाल दिया है, आपका राइट आंसर ही भरतपुर है, यानी बी और डी दोनों आपके सेम ऑप्शन है, इसलिए बी और डी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में श्री गंगानगर में किस क्षेत्र को जिला घोषित करने की घोषणा की गई है? आपके पास ऑप्शन है बालोतरा, अनूपगढ़, दूदू या गंगापुर सिटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में श्री गंगानगर में अनूपगढ़ क्षेत्र को जिला घोषित करने की घोषणा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जहां आपको इंडिया जीके और इंडिया करंट अफेयर के टॉपिक वाइज क्विज बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उदयपुर से कितने क्षेत्र को जिला घोषित करने की घोषणा की गई है? एग्जाम ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 1 या 4। तो उदयपुर से आपके एक क्षेत्र को, कितने क्षेत्र को, एक क्षेत्र को जिला घोषित करने की घोषणा की गई है, वो कौन सा क्षेत्र है? सलूम्बर। सलूम्बर वर्तमान में उदयपुर में स्थित है और इसे जिला घोषित करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले को दो भागों में बांट दिए जाने की घोषणा की गई? आपके पास ऑप्शन है जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर या बी और सी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका, जैसलमेर में तो कोई नया जिला बना ही नहीं है, आपको पता है जयपुर और जोधपुर को अब दो भागों में बांट दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अब दो भाग कौन कौन से हैं, नए जिले बनाए गए थे उसमें, तो आपका जयपुर अब जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण में बांटा गया है। इसी तरह आपके जोधपुर, आपके जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम में बांटा गया है। तो इस टाइप से आपके डिवाइड कर दिया गया है जयपुर और जोधपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अलवर के किस क्षेत्र को जिला घोषित करने की घोषणा की गई है? आपके पास ऑप्शन है बालोतरा, सांचौर, खैरथल या गंगापुर सिटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में अलवर के खैरथल क्षेत्र को जिला घोषित करने की घोषणा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक किस जिले के क्षेत्र से नए जिले बनाने की घोषणा की गई? या नए नहीं होगा, नया होगा, नए जिले बनाने की घोषणा सबसे अधिक किस जिले से की गई? जोधपुर से, जयपुर से, बाड़मेर से, अलवर से। तो नए जिले बनाने की घोषणा सबसे अधिक आपके जयपुर जिले से की गई है, जिसमें 4 क्षेत्र जो कि नए जिले घोषित किए गए, कौन कौन से? जयपुर का दूदू, इसे नया जिला बना दिया गया है, और जयपुर का कोटपुतली, इसे भी नया जिला घोषित कर दिया गया है। उसके अलावा जयपुर को भी दो भागों में बांटा गया, तो जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण दो नए जिले बन गए। तो टोटल आपके कितने क्षेत्र हो गए? जयपुर से 4 क्षेत्र को नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम का थाना को हाल ही में जिला बनाने की घोषणा की गई है, वर्तमान में यह किस जिले में स्थित है? नीम का थाना, आपके पास ऑप्शन है जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर या सीकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीम का थाना वर्तमान में आपके सीकर जिले में स्थित है, जिसे जिला बनाने की घोषणा की गई है। क्या घोषणा की गई है? जिला बनाने की घोषणा। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले के क्षेत्र से कोई भी नया जिला बनाने की घोषणा नहीं की गई? ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 4 जिले दे दे और इनमें से पूछ ले कि कौन से जिले से कोई भी, किस क्षेत्र से कोई भी जिला नया बनाने की घोषणा नहीं की गई। आपके पास ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर। तो आपको बता दिया जाता है, जयपुर, बाड़मेर और जालौर के अंदर से नए जिले बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन जैसलमेर जिले से कोई भी नया जिला बनाने की घोषणा नहीं हुई। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडवाना को हाल ही में जिला बनाने की घोषणा की गई है, वर्तमान में यह किस जिले में स्थित है? डीडवाना, आपके पास ऑप्शन है जैसलमेर, भरतपुर, नागौर या सीकर। तो डीडवाना को हाल ही में जिला बनाने की घोषणा की गई है, वर्तमान में यह आपके नागौर जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अजमेर के किस क्षेत्र को जिला घोषित करने की घोषणा की गई है? इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है केकड़ी, सांचौर, ब्यावर या ए और सी। तो अजमेर से आपके केकड़ी और ब्यावर दोनों को जिला घोषित करने की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगापुर सिटी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ऐसे भी शॉर्ट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में से जिला घोषित कर दिया गया और वर्तमान में किस जिले में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है सवाई माधोपुर, बीकानेर,
बाड़मेर या जालौर, तो गंगापुर सिटी आपके सवाई माधोपुर में स्थित है। ध्यान रखना, गंगापुर सिटी का नाम सुनकर श्री गंगानगर में समझ लेना, आपका सवाई माधोपुर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भीलवाड़ा से कितने क्षेत्र को जिला घोषित करने की घोषणा की? 2, 3, 1 या 4? तो भीलवाड़ा से आपके एक क्षेत्र को जिला घोषित करने की घोषणा की गई है, वह क्षेत्र है आपका शाहपुरा। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जोधपुर को कितने जिलों में बांटा गया है? आपके पास ऑप्शन है 2, 1, 4 या 3? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जोधपुर को 3 जिलों में बांटा गया। कितने जिलों में बांटा गया? 3 जिलों में, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी। सबसे ज़्यादा किस जिले को बांटा गया है? जयपुर को। कितने? 4 जिलों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जोधपुर के 3 जिले कौन कौन से आपको बता दिया जाता है? जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले को संभाग बनाने की घोषणा की गई है? ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है जालौर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाली जिले को संभाग बनाने की घोषणा की गई है। राइट आंसर सी है। अब आपको पता होना चाहिए 3 नए संभाग कौन कौन से हैं। तो आपको बता दिया जाता है, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिले और संभाग बनाने की घोषणा कब की गई थी? 14 मार्च 2023, 17 मार्च 2023, 12 मार्च 2023 या 19 मार्च 2023? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में 17 मार्च 2023 को नए जिले बनाने की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अब आपको मैं बता देता हूँ इस वीडियो में कि नए 19 जिले और 3 नए संभाग कौन कौन से हैं। तो आपके सामने लिस्ट देख सकते हो आप। 19 नए जिले में आपके आते हैं अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन सिटी, दुदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पश्चिम। इसके बाद आता है कैकड़ी, कोटपुतली, खैरतल, नीम का थाना, फलोदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा। और 3 नए संभाग की बात करें तो 3 नए संभाग है बांसवाड़ा, पाली और सीकर। तो ये थे आपके राजस्थान के नए 19 जिले और संभाग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि अभी आगामी एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।